क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भारत पाकिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयन के कुछ समय पहले ही अपने वनडे क्रिकेट से संन्यास की सूचना बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिस्टर एन श्रीनिवासन को दी। उनके इस निर्णय से जहां उनके प्रशंसकों में इस बात की निराशा है, वहीं उनके टेस्ट मैच बने रहने से लोगों में खुशी भी है। सचिन युग यानी सचिन तेंदुलकर के भारतीय क्रिकेट को लगातार 23 वर्ष का योगदान। इतने लंबे समय का क्रिकेट आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं खेला। आइए एक नजर डालते हैं उनके एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास पर। 11 दिसंबर 1988 सचिन ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में कदम रखा। 18 दिसंबर 1989 पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला। 6 अप्रैल 1992 इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर के साथ उन्होंने अनुबंध किया। 27 मार्च 1994 न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहली बार उन्होंने ओपनिंग की जिसमें उनके बल्ले से 82 रन निकले। 8 अगस्त 1996 पहली बार मात्र 23 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बने। 31 मार्च 2001 सचिन एक दिवसीय मैच में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने। महीना फरवरी मार्च का साल 2003 सचिन तेंदुलकर विश्व कप में 673 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 24 फरवरी 2010 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया। And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200 from 147. 2 अप्रैल 2011 विश्व कप 2011 में भारत के लिए उन्होंने दूसरा विश्व कप जीतने का सपना पूरा किया। 18 मार्च 2012 पाकिस्तान के विरुद्ध अपनी आखिरी पारी में उन्होंने 52 रन बनाए। अपकट एंड देन ही पट्स वन ऑफ द बैकफुट टू मिड विकेट देन प्लेड द स्लॉट स्वीप। 23 दिसंबर 2012 सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वेरियस ओपिनियंस, सम इन फेवर, सम अगेंस्ट मी, व्हाटएवर, आई मीन आई डोंट फॉलो ऑल दोस थिंग्स बिकॉज़ आई हैव टू फोकस ऑन द गेम। आई हैव गॉट अ रियली इंपॉर्टेंट जॉब टू डू एंड दैट इज वेयर माय फोकस इज, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। सो आई वाज ओनली लुकिंग एट द कंट्रोलेबल्स, व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड looking at giving my best, because you know the ups and downs in I don't think there is any person who's not experienced that. आइए जानते हैं सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आम जो जनता है या जो उनके प्रशंसक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया वनडे क्रिकेट से, तो मतलब क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, एक वक्त में तो लेना पड़ता है संन्यास, चाहे ये आदमी अच्छा खेल ले या एक उम्र के तकाजे के साथ लेना बनता है। जी बिल्कुल, सचिन के रिटायरमेंट से तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, पर्टिकुलरली भारतीय क्रिकेट को। और सचिन के संन्यास के ऊपर एक तरीके से काफ़ी सारे सवाल भी उठे थे कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए था। क्रिकेट में अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम ही सबसे ऊपर है। उनके रिकॉर्ड्स और उनकी संख्या का रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आइए एक नज़र डालते हैं। सर्वाधिक वनडे 463, वनडे इनिंग कैरियर में सर्वाधिक रन 18,426 रन, वनडे में सर्वाधिक शतक 49 शतक, वनडे कैलेंडर ईयर में उन्होंने 7 बार 1,000 से अधिक रन बनाए। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। सचिन की जर्सी नंबर 10, सचिन हमेशा 10 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते थे। उनके एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद यह कहना मुश्किल होगा कि इस नंबर का कोई हकदार हो पाएगा या नहीं। हालांकि IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के फैन क्लब ने BCCI से 10 नंबर को सचिन के सम्मान में रिटायर करने की मांग की है। सचिन तेंदुलकर के भारतीय टीम में सिर्फ बने रहने से अन्य खिलाड़ियों का हौसला बना रहता था। वो वनडे मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में टेस्ट मैचों में वो अपने प्रशंसकों को जरूर अपना रोचक खेल दिखाएंगे। कैमरा पर्सन पुनीत कुमार के साथ मैं रुणेश, वॉइस ऑफ पीपल।